नाउ सिंस बस विदा होने का समय बहुत जल्दी है आ चुका है ए कोई सेंटिमेंट ही मत हो एक कद नहीं, नहीं देखो कैसा है एल ट्रू द वन थिंग दैट आई लव अबाउट टीचिंग एंड बींग विड्स स्पेसिफिकलीट यू गाइज एट टाइम्स आर सो प्योर एट हार्ट एट टाइम्स यू गाइस आर सो प्योर एट हार्ट ना बिकॉज आप लोग बहुत छोटे हो और इतने छोटे एज के अंदर मतलब बहुत छोटे मतलब एकदम छोटे भी नहीं हो लेकिन यू आर एट अ वेरी यंग एज आपने अभी तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में देखी ना तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप एकदम मासूम टाइप के लोग रहते हो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ठीक है सो इस समय पे आपके साथ में कोई भी चीज़ को इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आता है अब इसके अंदर हम आते हैं एक इशू के ऊपर अब जब अंत हो रहा है आप लोग घर चले जाएंगे एकदम आराम से रोएंगे धोएंगे ठीक है फिर आप लोग घर चले जाएंगे लेकिन अभी एक चीज होती रहेगी पीरियोडिकली जो आपको बताता हूँ जो स्पेशली अगले दस पंद्रह दिन में ज्यादा होगी आपको एकदम से कोई चीज़ का डर लगेगा क्योंकि ये नेचुरल है सबसे पहली चीज हमको समझनी है डर किसको लगता है डर सिर्फ उसको लगता है जिसके पास कुछ खोने का है जिस भी व्यक्ति के पास कुछ खोने का है उसी को डर लगता है जिसके पास खोने का नहीं है वो सबसे केयरफ्री व्यक्ति है द मोस्ट केयरफ्री पर्सन इन द वर्ल्ड इज जिसके पास कुछ खोने का नहीं है आप लोगों ने ऑलरेडी यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आपने अपने जीवन कुछ ऐसे बच्चे होंगे क्लास कोई ऐसा जिसने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं मारी शुरुआत दिन ऑनलाइन किया था ठीक है जिस दिन ओके ठीक है वो दो दिन उड़ गए थे नहीं जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसके बाद एक भी छुट्टी नहीं है एक भी छुट्टी नहीं है क्या good, 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 good. सो नाउ 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 लेट्स कम बैक हियर क्या हो गया बस उसके अलावा बाकी सब अटेंडेड है ऑलमोस्ट नाउ 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 लेट्स कम बैक हियर हाँ यहाँ पर आते हैं बी कॉम के एग्जाम के टाइम पर छुट्टी हो गई थी कोई बात नहीं अब यहाँ समझो ये जो भी आपने पिछले दस सेकंड में सोचा इसका मतलब आपने देखा कि पिछले छह महीने के अंदर हम जब साथ में हैं पाँच से छह महीने इस बीच क्या क्या हुआ है तब तो जा रही है यार वो एक बी कॉम के कारण छुट्टी हो गई थी उसके अलावा मैं पूरा आया है मैंने दस दिन लेट ज्वाइन किया था एक महीना लेट ज्वाइन किया था उसके बाद में मैं पूरा यही या फिर किसी का आया था कि सर वो एक दिन आ, किसी भीड़ के अगर किसी ट्रैफिक के कारण हमारा ऑनलाइन हुआ था तो उस दिन ऐसा हुआ था या फिर ये कारण है इसका मतलब है पिछले पाँच से छः महीने डेली उठ के आपने जो भी और चीज़ें थी उनको छोड़ के आप यहाँ पर आए हो तो यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई बिलीव इस क्लास में नाइन्टी प्रतिशत से ज़्यादा लोग हैव बीन वेरी सीरियस एकदम अच्छे से कि भाई नहीं अपन को ये करना है अपन को अटेंड करना है अपन को ये चीज़ अच्छे से करनी है यू हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स अब इतना सब छोड़ के रोज सुबह अगर मोटिवेटेड होकर आप यहां पर आके पढ़े हो मतलब यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जिस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है अब उसको खोने का डर तो लगता है कि नेचुरल आएगा तो अब मैं कितना भी आपको बोल दू ना डरो मत मस्ती में रहो थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी डर तो लग जाता है तो पहली चीज तो ये समझो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है आपको बीच में अगर कभी भी डर लगेगा ना थोड़ा सा भी डर लगता है ना इट इज वेरी नॉर्मल इट इज वेरी नॉर्मल थोड़ा बहुत डर लगना बीच में चलता है वो डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए अगर वहीं हमारे पास कुछ खोने का नहीं होता जैसे कि मैं आज आपको कोई भी एक एग्जाम कह देता हूँ कि एग्जाम देकर आ जाओ ऐसे ही देकर आ जाओ अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपने तो पढ़ा भी नहीं ऐसे ही जाओ देकर आ जाओ आपको कुछ खोने के लिए ही नहीं आप क्यों डरोगे क्या है जाना है आना है पास हुए तो बोनस नहीं हुए तो नहीं हुए बट जब हम मेहनत कर लेते हैं तो खोने के तो थोड़ा डर लगेगा ये चीज नॉर्मल है पहले एक्सेप्ट कर लिया वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट हैव अ प्लान Have faith in yourself. Then don't think. Rather don't nahi remove result from the equation. तो आपका mental equation है उससे result के part को हटा दो and just focus. तो so, focus किसपे करना है on राइटिंग द बी एस सी नहीं बी एस राइटिंग द बेस्ट क्वालिटी पेपर्स बस तो आपके लिए फोकस अगले पूरे टाइम का जो है आपको यह कर लेना है जस्ट डू दिस इफ यू आर डूइंग दिस जब तक आप बच्चों को डर लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच बीच में डर लगना है इज नॉर्मल इस डर को एंजाइटी रेस्टलेसनेस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। आपको एक ही चीज फ्लंक कर सकता है अगर कोई व्यक्ति विल नॉट क्लियर तो उसके दो ही रीजन बता रहा हूं मैं एक रीजन तो होगा आपका अपना दिमाग जो कि आपको किसी तरह से डरा रहा है पढ़ने नहीं दे रहा है पढ़ने बैठे बैठ याद रहेगा क्या ये जो थॉट्स है ना ये आपको फ्लंक करा सकते हैं और कोई चीज फ्लंक नहीं करा सकती और दूसरी हो गई आपका हेल्थ एग्जाम के टाइम पे हेल्थ नहीं बिगाड़नी तो मैं आपको तो ये कह भी नहीं रहा हूं कि आपको भी पंद्रह घंटे पढ़ना है बीस घंटे पढ़ना है अगर आप इस तरह से अपने प्लान के हिसाब से पढ़ सकते हो अपना एक प्लान बनाओ उसके हिसाब से पढ़ो कि मुझे टेंशन नहीं होती है मैं इस प्लान से पढ़ रहा हूँ एम हैप्पी आपका दिमाग अगर आपके कंट्रोल में है यू विल क्लियर एंड ये सबसे कठिन इतना आसान नहीं है अगले जो आखिरी के तीन महीने होंगे पढ़ाई के उसमें आपको हर दस दिन में एक दिन होगा कि अब नहीं पढ़ाई हो रही ये नहीं हो रहा मेरा क्या होगा मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा ये ये थॉट्स नहीं आने देना ज द रियल सेंस अगर आपने वो कर लिया यू आर गोइंग टू क्लियर दस में से सात आठ लोग वो नहीं कर पाएंगे कुछ ना कुछ होगा और दस में से दो तीन लोग यहाँ पे उड़ जाएंगे हेल्थ एग्जाम्स के जब दस दिन आएंगे वो जब आपका सात दिन का पेपर चलेगा उसमें अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप अपनी पॉसिबिलिटी बहुत कम कर हो तो, या फिर मैं कहता कह हूँ आखिरी के पंद्रह दिन मतलब मे के लास्ट के दस दिन और जून का फर्स्ट जो आपके सात दिन के पेपर होंगे यू है ऑफ यिजिकल्थ इज ईजी बिकॉज क्या अच्छा खाएंगे

ऐसी चीजें रख लो जिस तबीयत खराब नहीं होती है और अपन तो उस जनरेशन में ना मम्मी है ना दे दो उन पे, कोई बात नहीं। जितना दे दे तो, चेहरे देखो <laughs> <laughs> आते हम इधर सो ना अभी जो है ना अभी पढ़ाई पे आते हैं तुम्हारी माता जी जो है ना उनसे बनवा लो बनवा के रख लो ऐसी जो दस दस दिन खराब नहीं होती है एंड इस तरह से हेल्थ पेपर के दौरान बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए अरे देखो पंद्रह बीस साल जो आपने एक्सप्लॉयट किया है आप क्या दस पंद्रह दिन और का लोड ले रहे हो बाद में माफ बाद में पैर धो लेना मम्मी के ठीक है अभी उनसे बनवा लो जो 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 ऐसी चीजें बनवा के रख सकते हो इसी की तबियत खराब नहीं होगी एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग आपको लग रहा है छोटी चीजें नहीं मैं आपको कह रहा हूँ सौ बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें से सिक्सटी सेवेंटी परसेंट बच्चे क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ क्वालिटी पढ़ाई का डिफरेंस फिफ्टी परसेंट तो कर ही रहे हैं क्वालिटी पढ़ाई रिमेनिंग डिफरेंस आ जाएगा आप कैसे खुद को संभाल पा रहे हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है हेल्थ पे और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है अब इसको कैसे रखें इस पर आते हैं मेक अ प्लान अब अपना एक प्लान बनाओ अब मेरा आज का मेन डिस्कशन इस प्लान पर ही आएगा तो यहाँ से मैं अभी प्लान पर आ जाऊँगा कि प्लान कैसे बनाना है लेकिन मेक अ प्लान वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैव फेथ इन योर सेल्फ है ना एकदम घर पे कहीं पे चिपका दो बड़ा बड़ा कभी कभी ऐसा सुना भी जरूरत है बिलीव इन योर सेल्फ हैव फेथ इन योर सेल्फ बहुत मस्ती से वेरी नेसेसरी देन रिमूव द रिजल्ट फ्रॉम द इक्वेशन डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट का डेट सी योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट और ट्वेंटी फेब्री वट एवर द डेट इज इट इज रिमूव दैट फ्रॉम द इक्वेशन एक सत्य है कि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है आप कुछ भी कर लो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका पेपर देना है आप जितना रिजल्ट के बारे में सोचते हो उतना आप इस चीज को बढ़ाते हो क्या आपको जो नॉट क्लियर करने के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना ये आपके दिमाग का इसको आप ज्यादा वेट देते हो क्या होगा क्या होगा मेरा क्या होगा उसका क्या होगा एज का क्या होगा फिर आर्टिकलशिप का क्या होगा अननेसेसरी दिमाग और ये आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे क्या फेल नहीं आप ऐसे समझो कि दोनों तरफ ब्लैंक प्लॉट्स हैं एरियाज हैं डेली आप एक ब्रिक को एक तरफ रखते हो या तो आप पास होने की तरफ रख रहे हो या आप फेल होने की तरफ रख रहे हो जितना आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो मेरा क्या होगा रिजल्ट ये वो आप उतना इधर ब्रिक रख रहे हो इधर का वजन बढ़ गया तो परेशानी हो जानी है और ये कब होता है जब आप रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हो भूल जाओ और एक अरे आपने एग्जीक्यूटिव दिया है आपके कभी पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे मार्क्स एकदम गंदे होंगे पेपर अजीब सा हुआ होगा मार्क्स अच्छे होंगे आपके कंट्रोल में नहीं है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको आपके कंट्रोल में है कि अपना पेपर तूफान देकर आओ बस

कि मेरे पेपर जब मैं लिख कर आऊंगा ना या पेपर जब लिख कर आऊंगी तो पेपर एकदम तो माइंड बॉगलिंग होने चाहिए कि क्या पेपर होंगे मजा आ जाए कि पेपर लिखो ना कि मार्क्सर लिखा मुझे मजा आना क्या पेपर लिखा है मैंने? फिर पेपर चेकर को जो करना है वो कर ले मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पेपर लिखते समय कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से पेपर लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से पेपर लिख रहा हूँ हंड्रेड हंड्रेड मार्स बस दैट इज योर टारगेट दिस इज नॉट योर टारगेट दिस टारगेट गिव स्ट्रेस दिस टारगेट डज नॉट गिव स्ट्रेस दिस नॉर्मल टारगेट इज अ वेरी सिंपल टारगेट ना यह टारगेटे डिफिकल्ट नहीं है ये टारगेटेटेट इजी है आप टारगेट इसको बना लेते हो तो स्ट्रेस आता है तो उसको टारगेट ही नहीं बनाना है इसको हटा देना है और मैं आपको कह रहा हूँ ना सबसे आसानी से वहां पहुंचने का रास्ता यही है सबसे आसानी से अगर अपन को यहां पहुंचना है तो उसका रास्ता ही यही है कि उसको भूल जाओ जिसके बारे में सोचना ही नहीं है एफर्टलेसली वहां पर पहुंच जाओगे आप एफर्टलेसली अभी सिर्फ टारगेट ये बनाना है कि पेपर ऐसा लिख के आओ कि पेपर चक्कर को लगना चाहिए कि इसने मेहनत की खूब सेल्फ स्टडी करना पे इतना अच्छे से पढ़ना है रिविजन इतना अच्छे से करना है कि सब बच्चों को दस में से छ पॉइंट याद आएंगे मुझे आठ याद आने चाहिए मेरा इतना कंसेप्ट क्लियर है कि हर एक चीज़ के अंदर मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ रहा हूँ मेरा आंसर स्टैंड आउट कर जाना चाहिए रिजल्ट जो आएगा वो ठीक है मेरा आंसर स्टैंड आउट कर जाना चाहिए आपने अपना टारगेट ही बना देना है आप सोचो पिछले दो मिनट में आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल लो नहीं हो रहा है क्या क्या ठीक है इतना भी कोई बड़ी बात तो है नहीं मुझे बस पेपर ही तो अच्छे से देना है मेरा टारगेट आगे का है ही नहीं आपने इतना ज्यादा माइंड में वेट डाल रखा ना ये कि परसेंटेज इतना कमाता है रिजल्ट का ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है वो रेलिवेंट ही नहीं आपके लिए आपके लिए रेलवेंट है पेपर अच्छे से देना वो तो आप कर ही सकते हो ना जैसे कि आपने इलेवन ट्वेल्थ का पेपर दिया जैसे कि आपने टेंथ का पेपर दिया आपने कोई और एग्जाम दिया होगा अपना काम होता है पेपर अच्छे से देखा ना वहां से यहाँ पे आप प्रिपरेशन और ज्यादा कर रहे हो तो पेपर तो और अच्छे से होगा ना फिर ये पेपर कैसे बिगड़ जाता है ये पेपर बिगड़ जाता है क्योंकि आपने दिमाग में इतना हाइपर हो जाते हो ना कि हाथ कहाँ पर एग्जाम के अंदर क्या कर रहे हो आप इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम एग्जाम डिसेंटली इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ बिगाड़ के एग्जाम देने जैसा एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मजे से रहकर एग्जाम एग्जाम दोगे मस्ती से क्लियर हो जाने वाले और सबसे आसानी से एग्जाम भी तभी क्लियर होगा रिलैक्स होकर अपने हिसाब से जाने का और मस्ती से पेपर देकर आने का फोकस सिर्फ इतना रखना है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाए और कुछ भी नहीं आपको एक स्टोरी बताई थी वापस एक बार बता देता एक बच्चा है छोड़ दिया सी दिल्ली में आया एम एंट्रेंस की तैयारी करूंगा फिर एम एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी उसने एक भुवनेश्वर वाली बताई थी वो और एक ही एम एंट्रेंस वाली एम एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी उसने फिर इसी बीच जून या दिसंबर कुछ आ गया अब उसने कहा कि वैसे ही एम एंट्रेंस की हाँ जून आ गया एम एंट्रेंस उसका नवंबर में था उसने कहा ठीक है वैसे भी लाइटर नोट पर चल रहा है एग्ज़ाम दे देता हूँ सी छोड़ चुका हूँ मैं ठीक है एग्जाम दे देता हूँ ठीक है पहले का सब है फॉर्म भरा हुआ है शायद से और दे देता हूँ कोई बात नहीं तो उसने ये कुछ फेबररी एंड में फॉर्म भर दिया होगा फिर उसने डिसाइड किया कि सी करना ही नहीं है मुझको और मैं तो एम एंट्रेंस कर रहा हूँ छोड़ दिया आ गया दिल्ली चला गया था दिल्ली के आसपास कहीं रहता था दिल्ली से आके फिर एग्ज़ाम अपने एम बी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और उसी बीच कुछ गैप आया कुछ है उसने कहा चलो फॉर्म भराए दे देता हूँ करना नहीं है इसलिए सब जब फॉर्म भराए दो हज़ार रुपये लगें तो कोई मेरी कॉपी उठाएगा चेक करेगा कोई तो ऐसा ऐसा पूरा प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन करना है क्या चलो ठीक है देख रहा था सिर्फ एग्जाम टाइम पर पढ़ा और वो भी रिलैक्स हो गया ऐसे नहीं कि बारह बारह घंटे पढ़ रहा है सो नहीं रहा है सोया बढ़िया आठ आठ घंटे सोया पेपर में है ना और अपने हिसाब से छः सात आठ घंटे पढ़ के गया क्लियर हो गया उसके पहले चार अटैम्प्ट से पढ़ रहा था दिन दिन रात पढ़ रहा था नींद छोड़ के पढ़ रहा था और क्लियर नहीं हो रहा था मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना पढ़े पास हो सकते हो बिना पढ़े पास नहीं हुआ है वो जो पिछले चार अटैम्प्ट से पढ़ रहा था वो नॉलेज थी उसके बाद इसलिए पास हुआ है कोई अगर पहले अटैम्प्ट में जाएगा ऐसे ही छह घंटे पढ़ के तो वो फेल हो जाएगा द पॉइंट टू लर्न हियर इज नॉलेज उसके पास थी पहले से पढ़ा हुआ था लेकिन उसने इस बार बस स्ट्रेस फैक्टर को हटा दिया और वो जाता था कि पेपर लिख के आना है बस अपन को मस्ती से लिख कर आएंगे अब जब वो क्वेश्चन देखता था वो डरता नहीं था

अप्रैल मई चलो बहुत अच्छा और जून में तो एग्जाम है एकदम मजे से एंड पता है आपको एग्जाम के थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना है यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दी एग्जाम्स अब मैं एक फीचर बताता हूं आपके दिल में कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड भी हो लेकिन आपको ये समझता नहीं है मैं बताता हूँ कैसे अभी ये लोकसभा इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं मान लेते हैं मैं आपके सामने खड़ा है मैं जीनी है जीनी समझते हैं ना सर है ना और मैं आपको कह रहा है तुम बोलो तो एग्जाम जून की जगह अगस्त में करवा देता हूं तुम्हें बस बोलना है इन टेन डिसाइड एंड टेल मी आर यू अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं यू आर एक्साइटेड बट हम डर की फीलिंग को ज्यादा ओवर करा देते हैं आपको अगर जीनी नहीं खड़ा है तो यू अरे एग्जाम सिर आ गए एग्जाम सिर पर आ गए बोलो एग्जाम पोस्टोन कराता हूँ नहीं 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 नहीं, नहीं जिन में देने का है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ये है हम सब लोग एवरी वन नहीं पोस्टोन क्यों करना देना है नहीं 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 करना है पोस्टोन हमें बिकॉज यू ऑल्सो नो आपको एग्जाम देना है बट आपको वो डर वाले फैक्टर को हटाना पड़ेगा यू शुड भी एक्साइटेड आपका ऑप्शन है एग्जाम देना कोई जबरदस्ती तो करनी रहा है तो जून में एग्जामनेशन में यू है अगर मैं कह दो ना कि जून जुलाई अगस्त में देना जुलाई में नहीं नहीं जून में ही देना ये जून का एग्जाम है ना जून में देना एक से सात तक एग्जाम होना चाहिए कुछ छेड़छाड़ नहीं चाहिए ये लोकसभा इलेक्शन के कारण कुछ हमारा चेंज नहीं होना चाहिए भगवान हमारा जून में एग्जाम हो तो इसको दिमाग के बैक एंड से फ्रंट एंड पे कैसे लाओगे एक चीज खुद को रोज ही चाहिए तो भगवान भगवान हमारा ड्यू डेट पर एग्जाम रखो जब आप उसको बहुत बार बोलोगे तो आपके खुद में बोलेगा कि मुझे चाहिए ये चीज एंड जब आप उसको एक्सेप्टेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डर की जगह एक्साइटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको एक्साइटेड रहो हाँ आप लोग खुद ही शिफ्ट नहीं होना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू राइट इट इन जून तो खुद को कि हमें डरते नहीं है हम इस जून के लिए एक्साइटेड है तो पहले ये फैक्टर दिमाग में डेवलप कर लेना है डुएबल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं तो आपके सामने जीनी बना भी नहीं करना है किसी को भी स्विच बस हमें क्रिप करना है गाली देते हुए करना है ऐसा दो इसी के साथ में जीवन बिताएंगे पर गाली दे तू ऐसा है तू रुक इधर तू तू ऐसा है इधर ये क्या बात हुई भाई जाने दो उसको फिर जाने को तैयार है वो नहीं पर तू ऐसा है तू एग्जाम के क्रिप करने से हम उससे डर बढ़ जाता है फिर आप आखिरी के पंद्रह दिन में सोचोगे अरे यार एक महीने बाद होता तो मैं मचा देता क्या फायदा अभी है ना एक महीने बाद का ऑप्शन नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। नह सो यू शुड बी एक्साइटेड फॉर द एग्जामेशन नाउ लेट्स गैट बैक टू द एंड का प्लान मेरे हिसाब से यू सिंपली हैव एट प्रोफेशनल लेवल सेवन पेपर्स आते हैं जून में यू टू राइट सेवन पेपर्स सेवन पेपर्स को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में फाइव पेपर एंड टू पेपर्स पढ़ने तो फाइव पेपर ही हैं ये टू पेपर्स तो एक्चुअली दिन भर पढ़ोगे तो थ्री डेज ईच में भी हो जाएगा मतलब तीन दिन अगर आप सुबह से शाम तक इलेक्टिव एक उठाओगे तो आप कंप्लीट कर दोगे हंड्रेड परसेंट कंप्लीट कर दोगे या फिर आप सिक्स डेज उठाते हो सिक्स डेज में आप दोनों इलेक्टिव को आराम से कंप्लीट कर दोगे कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि याद नहीं रखना इलेक्टिव इलेक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के तीन घंटे में हम कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी

तो डरने का तो सवाल ही पता नहीं होता ऐसा एक्साइटेड रहना चाहिए कि एग्जाम में ऐसे वो कोई घुमा के क्वेश्चन पूछे और मैं लिख दू सब लोग कोई लिख नहीं पाएगा और दर दर में लिख के आ जाऊंगा तो बच्ची कहा गया दरवाजा बंद करने वाली हाँ एकदम कोई नहीं लिख पाएगा पेपर मैं अकेला लिख कर आऊंगी पेपर सो दैट फीलिंग शुड भी देर मैं ऐसे पढ़ू एक प्रोविजन को मैं मुझे जबरदस्त समझ समझे सारे पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं अब सब लोग ऐसे सोचते रहेंगे उनको याद आ रही स्ट्रेस में रहेंगे दर 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 पॉइंट लिख दूंगा योर प्रेपरेशन शुड भी सच पांच पेपर है किसे कहते हैं बहुत आराम से कर लोगे आप घबराने की कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक अब प्लानिंग कैसे करनी है उस पर आता हूँ फाइनली डरने की जरूरत नहीं है पहले मैंने प्रूव किया आई शुड बी एक्साइटेड फाइव पेपर्स मस्ती से कर लोगे अब आते हैं प्लानिंग पे अब कैसा है यार बच्चों को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को भी देख रहे हैं तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है वन है जो एकदम अपडेटेड है विथ लेक्चर्स हमारे लेक्चर्स एकदम तूफान एकदम अपडेटेड चल रहे हैं जो जो लेक्चर्स सब कम्प्लीटेड चल रहे हैं कोई हमारा पेंडिंग गेम नहीं चल रहा है ठीक है दूसरे हो गए वो स्टूडेंट्स जिनके लेक्चर्स बाकी हैं लेकिन हमारे लेक्चर्स बाकी हैं अप टू 150 फिफ्टी आर्स इससे ज़्यादा नहीं मतलब हमारा 80 परसेंट से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है हमारा कुछ 10, 15, 20 परसेंट बाकी है बाकी कुछ नहीं और तीसरे स्टूडेंट्स वो कैटेगरी में आ गए जिनके लेक्चर्स पेंडिंग है टू फिफ्टी आर्स से भी ज्यादा तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आप में से कुछ बच्चों के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो पेंडिंग होंगे जो बच्चों के एकदम अपडेटेड लेक्चर्स हैं कि मतलब सब सर कंप्लीट है एकदम मस्ती में इन बच्चों के लिए द आइडियल शेड्यूल इज कि आप लोगों ने फर्स्ट मार्च से सेल्फ स्टडी से चालू कर देना एकदम अपडेटेड है और आपके लेक्चर अगर बाकी भी है ना तो बाकी आपके कितने यहां पे मान लेते हैं आपके लेक्चर्स बाकी हैं तो कितने सेवेंटी आवर्स कुछ बाकी हैं तो आप एकदम अपडेटेड चल रहे हो ठीक है आपको फर्स्ट मार्च से सेल्फ से स्टडी चालू कर देना है और अपने दिन को दो हिस्से में डिवाइड कर लेना है फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट मार्च सेल्फ से स्टडी चालू हुआ दिन का फर्स्ट हाफ फाइव ए एम टू ट्वेल्व पी एम ये जो आपका टाइम चलेगा ये आप कर लो अपनी सेल्फ स्टडी और दिन का सेकेंड हाफ जो भी आपने लिया है फॉर एग्जाम्पल थ्री पी एम टू टेन पी एम यह आपके हिसाब से करो इसमें आप कर लो लेक्चर्स थोड़े बहुत लेक्चर्स बचे हुए आपकी सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी सेल्फ स्टडी कोई भी ऐसे सब्जेक्ट की स्टार्ट करो जो आपके कंप्लीटेड है प्रॉपर्ली वन ऐसे फर्स्ट मार्च फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी कन्वीनियंस आप थोड़ा सा कर सकते हो एडजस्ट ये अपने स्टार्ट किया कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपके अच्छे से कंप्लीटेड है स्टार्ट टू सब्जेक्ट्स दो सब्जेक्ट कोई भी उठा लो जो आपके कंप्लीटेड है जिसके अंदर आपको कुछ देखना नहीं है लेक्चर्स कंप्लीटेड है उनकी सेल्फ स्टडी चालू कर दी ठीक है और शाम के टाइम पे आपके कुछ छोटे मोटे जो भी पेंडिंग लेक्स जैसे कि हमारे फंडिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं तो वो जो बच्चे पेंडिंग लेक्चर्स चल रहे हैं फंडिंग के वो देख लिया है, कोई भी अगर आपके रिस्पेक्टिव लेक्चर्स पेंडिंग है छोटे मोटे तो आपने वो देख लिया ठीक है बाकी सब तो कंप्लीटेड है ये आपका चलता रहा चलता रहा इससे होगा ये फर्स्ट मार्च से फिफ्टींथ मार्च में आपका सेल्फ स्टडी भी चल रहा है जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए भी चल रहे हैं और आपके जो भी पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं ये सोचते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे पहले पूरे लेक्चर खत्म करेंगे फिर सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे उससे कभी कभी पैनिक मोड में हो गए आप लोग तो फर्स्ट मार्च अगर आपकी सेल्फ स्टडी शुरू हो गई आपके दो सब्जेक्ट अगर बीस मार्च तक कंप्लीट भी हो गए आप ऑलरेडी फुल जाओगे अरे कंप्लीट करके बैठा हो ये दो तो हो गए ये तो हो गया यू विल बी वेरी कंफर्टेबल सो सेल्फ स्टडी चालू कर ली दो सब्जेक्ट की और बच्चे भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाना है तो फिफ्टीथ मार्च तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एंड सिक्स मार्च से आप चालू कर दोगे अपनी तूफान स्टडी अब क्या है इस बारे में बात करेंगे 16 मार्च से आप तूफान स्टडी के मोड में रहोगे तूफान स्टडी के अंदर अब आपको कोई लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट्स को अपन इग्नोर करते हो जब आएगा जब आएगा वो छोड़ दो बट अदरवाइज यू आर ऑल सफिशिएंट आप तूफान तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और आपकी सेल्फ स्टडी शुरू किए हुए पंद्रह दिन आपको ऑलरेडी हो चुकी सही है बेस्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है यू आर सुपर सॉर्टेड वैसे भी ये प्लान क्यों बेस्ट है आप अगर ऐसा सोचोगे ना मैं कल से सेल्फ स्टडी करूँ और पंद्रह घंटे पढ़ लूँ नहीं पढ़ सकते इसमें शुरुआत में फ्लो भी बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ पाँच छः घंटे पाँच छः घंटे के सेल्फ स्टडी का फ्लो है चार पांच घंटे के लेक्चर्स चल रहे हैं और मस्ती से कंप्लीट हो रहा है और जब पंद्रह दिन हो गए हमको दस दिन हो गए बारह दिन हो गए हमको ये छह छह घंटे की सेल्फ स्टडी करते हुए फिर वो छः को आठ नौ दस करना इज़ वेरी ईजी तो वो बढ़ भी जाएगा तो एक अच्छे से फ्लो बनता है दूसरा ऐसे बच्चे सर हमारे लेक्चर्स थोड़े ज्यादा बाकी है हमारे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर वो थोड़ा ज्यादा बाकी है ऐसा वो भी चाहें तो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं उनकी तूफान स्टडी सिक्सटींथ मार्च से नहीं होके शायद से उनकी तूफान स्टडी हो जाएगी थोड़ा लेट समझ लो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से तूफान स्टडी उनकी होगी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से बट इस फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक आपकी ड्यूरेट क्या रहेगी फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक क्या क्या हो जाना चाहिए ऑल पेंडिंग लेक्चर शुड बी कंप्लीटेड ये बच्चे फर्स्ट से 15th मार्च तक शाम शाम को लेक्चर देख रहे हैं आपके लेक्चर अगर ज्यादा बात की है तो आप फर्स्ट से थर्टी फर्स्ट मार्च तक शाम शाम को लेक्चर देखोगे पर दिन के सिक्स आवर्स की मिनिमम सेल्फ स्टडी आप डेली कर रहे हो इससे होगा ये कि मान लेते हैं आपके पेंडिंग लेक्चर जब तक खत्म होंगे आपके हो सकते हैं ढाई सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएंगे आप सब्जेक्ट्स खत्म करके बैठोगे तो आपको उतना डर नहीं लगेगा क्यों मेरे लेक्चर्स लेट खत्म हुए कोई बात नहीं लेकिन मेरे सेल्फ स्टडी के दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट तो खत्म हो चुके हैं अब मुझे जो ये लेक्चर्स अभी खत्म हुए इनका सेल्फ स्टडी करना है बहुत आराम से हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एक अपने दिमाग से गलत फेमी हटा देना कि किसने कहाँ कंप्लीट किया मैटर करता है उन तीन घंटे में आप कितना स्मार्टली एक्ट करते हो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है ये तो हम सिर्फ रेडी हो रहे हैं तो यहाँ पे किसी का 19 बीस भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है बट ये अपना टारगेट है जिसके लेक्चर ज्यादा बाकी हैं वो फिफ्टीथ तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो फर्स्ट अप्रैल तक कंप्लीट करेगा तो उसका थर्टी फर्स्ट मार्च तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ऐसा है ये वो बच्चा जो अपडेटेड नहीं है जो लेक्चर्स ज्यादा पेंडिंग चल रहे हैं उसके पुराने भी तो वो ये खत्म हो जाएगा लेकिन अगर जिसका बहुत ही ज्यादा लेक्चर पेंडिंग है वो ये प्लान फॉलो नहीं कर सकता उसको पहले तो फर्स्ट टू फिफ्टींथ मार्च तक उसको करना पड़ेगा फुल फ्लजेड लेक्चर्स जिसके बहुत ही ज्यादा लेक्चर्स पेंडिंग है वो भी सेल्फ स्टडी शुरू नहीं कर पाएगा शायद उसको पहले लेक्चर्स करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट अच्छे खासे उस लेवल तक आना पड़ेगा दैट आई थिंक नाउ माय लेस देन हंड्रेड आवर्स लिमिटेड आवर्स के लेक्चर्स पेंडिंग है फिर मैं सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स को शुरू कर दूँ तो इस स्टूडेंट को तो पहले फुल फ्लजेड लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जिसके बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स पेंडिंग है उसको लगता है और लिमिट का टू फिफ्टी से ज़्यादा तो आप अभी सेल्फ स्टडी चालू कर दोगे तो आपके लेक्चर्स ही चले जाएंगे अप्रैल में अप्रैल में लेक्चर जाने नहीं देना है ये एक रूल है अप्रैल में लेक्चर जाने नहीं दिया

जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं वो मेजॉरिटी बच्चे ऐसी होंगे जिनके पूरे अपडेटेड चल रहे हैं छोटे बहुत पेंडिंग है पंद्रह तारीख तक आराम से खत्म हो जाएंगे डेली के पांच छे घंटे चार पांच घंटे भी शाम को देखे तो भी देन सुपर सॉर्टेड है आपके पास अभी से सेल्फ से स्टडी शुरू होगा फ्लो बनेगा अब एक क्वेश्चन आएगा कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है जो करना है वो करो कुछ मैटर नहीं करता है जो भी आपको अच्छा लगता है उससे सेल्फ स्टडी शुरू कर दो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उससे शुरू कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको लगता है कि अच्छे से करके कंप्लीट करना है उसमें शुरू कर दो अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि सर ये प्लान तो समझ में आया सेल्फ स्टडी करते कैसे <laughs> के का, का वो करूं क्या इसको ऐसा यहां पे रखूं थोड़ा ऐसा सेल्फ स्टडी करते रहे जो एक गलती करते हैं वो अपन ये करते हैं कि अपन क्या करते हैं अपन सिर्फ उसको पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं ऐसा मत करो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ो पढ़ने के बाद में बुक को बंद करो और बुक को बंद करने के बाद खुद से देखो कि आप उस टॉपिक को बोल पा रहे हो या नहीं आप अगर सिर्फ पढ़ते जाओगे तो ये पर्पज है गलत रॉन्ग फेम ऑफ सेल्फ स्टडी सिर्फ रीड करते जाना रीड कर अपने टॉपिक उस बंद करके खुद से बोलो कितना आ रहा है डन तो सेल्फ स्टडी के अंदर खुद को ये थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते हुए पढ़ना पड़ेगा खुद से बोलने का पूरा याद नहीं रहता है थोड़ा बहुत याद रहता है धीरे धीरे इंप्रूव होगा सेकेंड एनश्योर के टेस्ट देने ताकि राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है आखिरी दो तीन महीने में कि आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन आपको पेपर प्रैक्टिस करने कोई भी सब्जेक्ट की अगर हमारी अभ्यास शीट पेंडिंग थी

मान लेते हैं सीआर के टाइम पे आपने सर मैंने दो रेड अभ्यासशीटी या दो ग्रीन रेडशीट स्किप हो गई थी मेरी वो अब रिवीजन के टाइम पे कर लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर करते टाइम तो जब जब एक चैप्टर को पूरा रिवाइज कर रहे हो अगर उसकी अभ्यास आपने सॉल्व की है तो बस गो थ्रू कर लो अगर अभ्यास शीट सॉल्व नहीं की थी तो उस अभ्यास शीट को उस टाइम पर सॉल्व कर लो जिस स्टूडेंट ने सारी अभ्यास शीट सॉल्व की थी उसको और टेस्ट पेपर रहेंगे वो और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो एकदम अस्सी से ताकि एक ब्लेंड बना रहे तो मेरी तरफ से मैं आपको ये लास्ट लेक्चर में बताऊंगा कि प्रॉपर ऐसा एग्जाम पेपर पोर्शन टेस्ट ये सब कैसे रहेगा तो वो सब करो तो अपन को ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी टाइम पर थोड़ा पोर्शन टे परसेंट ऑफ एर एफर्ट शो बी परसेंट कंटेंट पर टेन परसेंट राइटिंग प्रैक्टिस भी रहना चाहिए डेली कुछ तो लिखना है कंपल्सरली किसी भी सब्जेक्ट का लिख रहे हो पर डेली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप सिर्फ याद करके चले गए कुछ ना कुछ तो लिखते रहना है हाथ में बनाते रहना है। ये हो गया टेस्ट देना है अभ्यास पेंडिंग है तो वो करना है उसके बाद में एक ये पास और फील का डिफरेंस क्रिएट करने की ताकत रखती है जिन लोगों को लगता है कि मैं बंद कर सकता हूँ वो तो बंद कर दो जिन लोगों को लगता है कि आई कैन शिफ्ट टू अ छोटा वाला मोबाइल फ़ोन आता है ना वो हज़ार रुपये वाला जिन लोगों को लगता है कि आई कैन शिफ्ट टू दैट मोबाइल फ़ोन शिफ्ट हो जाओ सी ए फाइनल के एग्ज़ाम के चार पाँच महीने पहले की बात थी आई केम फ्रॉम उदयपुर टू पुणे है ना और आई हैड सैमसंग का सा मोबाइल फोन दैट टाइम एंड ट्रेन से आ रहा था एंड जैसे ही मैं रिक्शा में बैठा और जैसे ही मेरे बैग को देखा बैग की चेन खुली हुई थी मोबाइल गायब था तो मोबाइल गप हो गया अब क्या कर सकते हैं ऐसे और मैंने तो घर पर भी नहीं बताया था बहुत लंबे समय तक एंड देन आई जस्ट फ्रॉम अ फ्रेंड आई टुक दैट स्मॉल वाला मोबाइल फोन एंड देट वॉज मोबाइल फोन अवेलेबल एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई हैड एस थ्री उस yes. टाइम पे यस एंड देन फ्रॉम अ फ्रेंड आई टू दिस मोबाइल फोन छोटा एंड देन आफ्टर सम टाइम आई अगेन गॉट एन एस थ्री ओनली घर पर शायद बताया नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी सो so, जो भी हुआ द पॉइंट ई आर एम ट्राइंग टू से वो छोटा मोबाइल फोन आया तब एग्जाम में शायद चार पाँच छः महीने कुछ थे और एग्जाम तक वही था डिड नॉट टेक द डिसीजन डिलिबरेटली तब इतना था भी नहीं मैंने भी इतना थोड़ा ना डिस्टर्बेंस हो जाएगा इतना क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा लिमिटेड ही थे डिस्टर्बेंस तब वैसे भी बट मुझे उससे रात और दिन का डिफरेंस फील हुआ और जो कि मतलब समझो भगवान नहीं किया जबरदस्ती मैंने वॉलेंटरी वो डिसीजन नहीं ले पाया था लेकिन वो डिसीजन ऑटोमेटिक लिया और उससे मुझे ट्रिमेंडस डिफरेंस फील हुआ पहले दस दिन ऐसे तड़पा में जैसे कि वही नहीं होता जो लोगों को अपन ऐसा रीहैब में भेजते हैं ऐसे बांध के रखना पड़ता है थोड़ी ऐसा अजीब अजीब लग रहा था ऐसा मोबाइल को देखे ऐसा लगता है क्या करो फिर वो स्नेक वाला गेम खेलता था उसमें अब क्या करूँ कुछ मैं तो ऐसे में क्या करो क्या करो ऐसा फिर दोस्तों बोले इतना क्यों फोन कर रहा है तो मैंने कहा ऐसी तेरी याद आ रही थी बात क्योंकि करूँ क्या उसके अंदर मैं बट दस दिन के बाद से उसके जो फायदे आने चलो इट अब वो मोबाइल को देखने की इच्छा ऐसा नहीं होता ना हर दस मिनट मोबाइल को हाथ लगाना है एंड इससे रात और दिन का डिफरेंस क्रिएट होता है प्रिपरेशन में एट योर एज नाउ यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल उसमें से एक चीज है मोबाइल जिसको आपको बंद कर देना चाहिए मोबाइल रोज आपको इतना इन्फॉर्मेशन देता है ना कि आपको फेल कर देगा वो आपको फेल कर देगा बिकॉज वो आपको इतना इन्फॉर्मेशन फीडिंग किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है आप ओपन करते हो और कोई कच्चा ऐप एकदम कुछ ना कुछ कोई लेकर आएगा सावधान रहिए सतर्क रहिए ये करो और ऐसा करो वैसा करो इतना इंफॉर्मेशन जाता है ना कि अपना माइंड फ्रेश नहीं रह सकता अब मोबाइल को तो करना पड़ेगा बंद अब आप इसको कैसे कर सकते हो देख लो मोबाइल बंद कर दिया आपके पास होने के चांसेस डबल हैं ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पर यह तो आप कर नहीं पाओगे पर अगर आप कर सकते हो तो कर लो पास होने के चांसेस डबल हैं कोई अगर रैंक ला रहा होगा फिफ्टीन तो वो फाइव पे आ जाएगा कोई अगर रैंक नहीं ला रहा होगा सिर्फ पास हो रहा होगा तो वो रैंक पर आ सकता है कोई अगर फ्लंक हो रहा है तो शायद वो पास हो सकता है तो आपका रिजल्ट डबल होने की चाहेंगे पास होने के चांस अगर आप मोबाइल को बंद कर सकते हो अब सर नहीं कर सकते है। बीमार हैं हम है ना एडिक्टेड है हम लोग अब क्या करें नहीं कर सकते तो कम से कम ये रूल रखो कि मोबाइल को दिन में सिर्फ थ्री आर के लिए आप उसको कैसे किसे कहते हैं उसको आप ऑन रखोगे सिर्फ थ्री आर के लिए आप उसको इंटरनेट ऑन रखोगे ऑन रखोगे आप थ्री आर के लिए थर्ड से फोर्थ आर हुआ और फेल हो जाओगे कसम खा लो तो दिन भर में जब पढ़ोगे तब वो बंद रहेगा फ्लाइट मोड कह दो इंटरनेट ऑफ कह दो रह दो सिर्फ तीन घंटे का स्लॉट होगा डेढ़ डेढ़ घंटे के दो स्लॉट लो एक एक घंटे के तीन स्लॉट लो आपको जो करना है करो लेकिन थ्री आर से ज़्यादा मोबाइल का इंटरनेट ऑन नहीं रहना चाहिए या फिर मोबाइल नॉर्मल नहीं रहना चाहिए अब जो लोग घर से दूर हैं तो उन लोगों को क्या है कि पेरेंट्स के कॉल वगैरह आते हैं आप लोगों को मोबाइल ऑन रख सकते हो बट इंटरनेट ऑफ रखो और जो घर पे रहते हैं वो तो मोबाइल ही बंद कर दो मोबाइल ही बंद कर दो सिर्फ दो तीन घंटे के लिए मोबाइल को चालू करो शाम को ऑन किया फ़ोन करना किसी को किया और खत्म एक रूल रख लो कि थ्री आर के अलावा मोबाइल चालू ही नहीं रहेगा ये भी उनके लिए जो मोबाइल बंद नहीं कर सकते जो बंद कर सकते हो घर पे पापा मम्मी भाई बहन किसी का मोबाइल यूज़ कर लेना दोस्तों को फोन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा ये कोई बहाना मत बनाना फिर आप अमेंडमेंट दोगे तो हमको कैसे पता चलेगा मैं पहुँच जाऊँगा आपके घर तक आप उसका टेंशन मत लो ठीक है ना मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा ठीक है आपके पास यूट्यूब किसी के भी घर में किसी मोबाइल पे देख सकते हो और क्या करना है पंद्रह दिन में एक बार चेक करना है ना ऐसा रोज थोड़ी ना के बताऊंगा कि आज ये एक अमेंडमेंट बाकी कल मिलता हूँ ऐसा एक साथ में आ दे दूंगा ना वन आवर के अंदर अमेंडमेंट तो आप मजे से रहो ये सब हो सकता है कोई भी पढ़ाई का बहाना मत बनाना इसके लिए क्या इसके कारण रखा हुआ है किसी भी तरह से मोबाइल को बंद करो तो आपके पास होने के चांसेस डबल हो जाएंगे उसके बाद में ये सब तो डिलीट ही कर दो क्या जो भी इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है ना आई एम माई सेल्फ आई थिंक वेनेवर आई गट टाइम आई एम लिटिलग्राम ओनली द रीजन ऑफ दट इज आपका एक बैच है इतने सारे बच्चे ना आपका बच जब खत्म हो जाएगा है ना उसके बाद में आपसे टच में ही कैसे रहेगा इंस्टाग्राम इज दी मीडियम है ना सो आई लाइक इट बट दैट इज नॉट गॉट गुड फॉर यू एट द मोमेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना मुझे कभी कोई इंस्टाग्राम को भी बोलना पड़ता है इंस्टाग्राम बंद करो अब यह मैं कैसे समझाऊं मैं समझा ही रहा हूँ

व्यक्ति थोड़ी है मोबाइल है ऐप है वापस आएगा झकमार के आएगा ऑन करेंगे डाउनलोड कर वापस दिएगा आपने क्या क्या हुआ तीन महीने में कुछ नहीं हुआ चार लोग और गए चार बजे हो क्या जाएगा कुछ मिस होने वाला नहीं है लाइफ में बट अगर स्विच ऑफ कर लिया तो आपके रिजल्ट में रात और दिन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो मोबाइल हैज टू बी स्विच ऑफ इफ यू कैन मेरे पास तो मतलब मेरा अगर कोई छोटा भाई बहन होता ना तो मैं ऑप्शन ही नहीं देता बंद कर ले बट आप लोगों को मैं इतना जबरदस्ती तो नहीं कर सकता तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तीन घंटे के लिए ऑन रख लो अगर आपको रखना ही है तो तीन घंटे के लिए ऑन रखो बस उसके अलावा मोबाइल बंद फ्लाइट वाइड भी नहीं क्योंकि फ्लाइट वोड में क्या है वो आपको दिखता है ना एक बटन दबाती चालू हो जाएगा तो आप कर लोगे दिन भर में एक बार बंद बैटरी निकाल बैठे तोड़ दो थो बैठे अलग रख दो एकदम ऐसा ऑन करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके पास घर में कोई है तो उसको दे दो कि नहीं मुझे शाम को आप बस एक घंटे के लिए देना आपको कसम है आप इसके अलावा जो है उसके अलावा मुझे देने मैं कितना भी गिड़गड़ाऊँ मुझे मत देना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू डू सम अरेंजमेंट्स लाइक दैट इफ यू डू दैट मैं कहना दस दिन प्रॉब्लम होगी पर ग्यारहवें दिन से यू विल बी सॉर्टेड और उसका एडवांटेज आना चालू हो जाएगा इन एनी केस ये सब चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी एंड यूल हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ बाकी गाइडेंस पर अलग अलग देता रहेगा कि एग्जाम के तीन घंटे में क्या करना है एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है सब बताएगा आराम से अभी उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको आज से शुरू करना है आज से खुद को इस प्लानिंग के लिए रेडी करते रहो कि थोड़ी देर में मुझे मेरी प्लानिंग करके रखनी है सेल्फ स्टडी करनी है कौन से सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करनी है ये सब प्लान करते रहो कि फर्स्ट से क्या कूँगा फिफ्टीन तो क्या अभी इस पे टाइम दो और अभी सबसे पहले ये खत्म हो जाओ बी एक्साइटेड फॉर द एग्जामिनेशन

आपके तीन महीने ग्रेम चेंजर है यू कैन यू मतलब नो बड़ी वुड बिलीव ऐसा रिजल्ट आ सकता है तो तीन घंटे तूफान मचाना है खुद को समाल पेपर देखे आना है मजे में ऐसा मजे में पेपर देख रहा है एंड यू विल बी एबल टू तो किलेक्ट तो बस वो माइंडसेट रखो और बी एक्साइटेड फॉर द एग्जामिनेशन एंड थी बी इजी दस दिन में एक बार किसी का भी एकदम से होगा अरे मुझे डर लग रहा है अरे डर क्यों लग रहा है मज़ा आ रहा है एग्जाम आ रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दो दिन में पढ़ाई कर लेनी वापस और ये होगा नेचुरल है तो खुद को संभालो विल बी एबल टू इट तो बस ध्यान रखो मैं मयूर सर का बहुत सारा टाइम खा गया मैं भागता है अब और ध्यान रखो अपना और मजे से पढ़ो एक्साइटेड रहो परेशान नहीं रहना है ना चलो बाय yeah. <laughs> चलो दो, ध्यान रखो ध्यान रखो लो। थैंक यू सो मच ध्यान रखो अपना yeah.